माय डियर स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस से पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आइए जरा इसको देखते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है कि ये मेरे पास रिएक्टेंट्स है ए प्लस बी, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट सी प्लस डी, दीज आर द प्रोडक्ट्स, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फिर आपस में रिएक्ट करेंगे और ये रिवर्स आएगा। अब एक बात ध्यान में रखनी है कि दुनिया जहान में जो भी केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा रिवर्सिबल होता है, यानी एवरी रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। होता भला क्या है, बाद रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट हैं, बाद रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं इनका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस नेग्लिजिबल होता है, पुअर यील्ड ऑफ रिएक्टेंट हासिल होती है। तो हम फिर जनरली क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं जी कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट ही नहीं हुए, उस सूरत में दिस इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन, इन दैट केस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली बात करूं तो हर रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, लेकिन मैं मैक्रोस्कोपिकली बात करूं, मैं जनरल टर्म में बात करूं तो बाद ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट गिवन कंडीशन पर रिएक्टेंट में नेग्लिजिबली कन्वर्ट होते हैं, माइन्यूटली कन्वर्ट होते हैं, दो रिएक्शन आर कॉल्ड द इररिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे होते दो रिएक्शन आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए हम ना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहला जो डिफरेंस है वेरी सिंपल के रिवर्सिबल रिएक्शन दो रिएक्शन या अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स जारी रहता है इन बोथ डायरेक्शंस, आई मीन फॉरवर्ड as well as reverse at given conditions. यहां condition से मेरी मुराद है temperature, pressure या catalyst, हम इसे कहते हैं conditions. तो ऐसा reaction जो given condition पर both direction, I mean forward as well as reverse, continue रहता है, जारी रहता है, that reaction is called the reversible reaction. और दूसरी तरफ अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली एट गिवन कंडीशन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द इररिवर्सिबल रिएक्शन। आप यूं भी कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कन्वर्ट रिएक्ट टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट द गिवन कंडीशन, जिसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट रिएक्ट करके ओरिजिनल रिएक्टेंट्स बनाते एट द गिवन कंडीशन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे, अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन do not react to form the original reactants at the given condition, that is called the irreversible. दूसरा पॉइंट, मैं जरा आपको ना एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। माई डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक हैबर प्रोसेस एक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, दैट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन गैस है N2 और इसका रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन से H2, 3 moles of hydrogen. यहां पे टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट एंड वी नीड द हाई प्रेशर हेयर, दीज आर द कंडीशंस, द प्रोडक्ट इज अमोनिया 2NH3, दिस वन इज आल्सो द गैस। अगर आप ये कंडीशन प्रोवाइड करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे और इन्हीं कंडीशन पर अमोनिया डीकंपोज होकर दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, आई मीन this reactions proceed forward as well as reverse, so this reaction is called the reversible reaction. Iske baraks, my dear student,
अगर आपके पास सोडियम मेटल है, Na सोडियम मेटल, इसका रिएक्शन आप करवाएं वाटर से. व्हाट इज द लिक्विड? जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगी, वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. दिस वन इज अ बेस. और साथ हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये इवॉल्व होगी. हाइड्रोजन गैस H2 ये इवॉल्व होगी. अब आप इसको देखेंगे ना, ये जो मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखा, इसमें सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम और वाटर नहीं प्रोड्यूस करते. या अगर ये रिएक्शन रिवर्स भी आता है तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोड्यूस. तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस रिएक्शन प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन. रिएक्टेंट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स. सो दिस वन इज द रिवर्स. इसके बरक्स बिल्कुल इसी तरह अगर मैं दूसरी बात करूं, मेरे पास ये हाइड्रोजन है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. दिस वन इज अ गैस, O2 इज अ गैस. वी हैव वाटर, दैट इज अ लिक्विड. अब इस रिएक्शन के दौरान ना इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क. जब ये दोनों गैसेस, आई मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाफ O2, जब ये दोनों गैसेस इलेक्ट्रिक स्पार्क उसमें से पास करवाई जाती हैं, या इन दोनों गैसेस में से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाते हैं, तो वी गेट द वाटर. अब इस कंडीशन पर वाटर इन दोनों में कन्वर्ट नहीं होता. अगर आप वाटर को दोबारा इनमें कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको कंडीशन जो है इनको चेंज करना पड़ेगा. और वो क्या है कि अगर आप टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जाकर ये वाटर मॉलिक्यूल डीकम्पोज होगा और हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. यानी गिवन कंडीशन पर सिर्फ आप वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस कंडीशन पर वाटर इसमें डीकम्पोज नहीं होता. लेकिन अगर आप कंडीशन चेंज करेंगे तो फिर यह है कि वाटर डीकम्पोज होकर यह रिएक्टेंट बना सकता है. लेकिन हम तो गिवन कंडीशन की बात करते हैं ना, तो गिवन कंडीशन पर दिस रिएक्शन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन. तीसरा पॉइंट जो आपने जेन में रखना स्टूडेंट, वो जेन में यह रखना है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका जो अल्टीमेट फेट है, जो अल्टीमेट गोल है, जो इसकी डेस्टिनेशन है, दैट इज टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट. अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल इज टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट. और इधर हम क्या कहेंगे, नो साइन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट. इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कहेंगे कि इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी अटेन इन क्लोज कंटेनर ओनली. क्लोज कंटेनर में आप इसे अटेन कर सकते हैं. और इधर हम क्या कहेंगे, इट कैन बी अटेन, इट कैन बी अचीव या कैरी आउट occurs in closed as well as open container. ये दोनों बातें इसमें स्टूडेंट, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम डबल हेड एरो से शो करते हैं, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम सिंगल हेड एरो से शो करते हैं. ये कुछ बातें थी जो आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. मैं इसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहता हूं, मैं इसे इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहता हूं. ये इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं. पोजीशन इसमें जो मोस्टली जो मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट है. केमिकल इक्विलिब्रियम कह लो या इक्विलिब्रियम स्टेट कह लो. और बाज बुक्स में ना स्टूडेंट इसे लिखा जाता है, दिस वन इज
कांस्टेंट या सोडो स्टेडी, कांस्टेंट के बजाय आप ना सोडो स्टेडी स्टेट, बास बुक्स में से सोडो स्टेडी स्टेट्स भी कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन में वो लम्हा, वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स आपस में बराबर हो जाए, दैट स्टेट दैट स्टेज इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम स्टेट। जो बात कही जा रही है ना, आप इसी बात को फोकस करेंगे, इसी को ज़हन में रखेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अ स्टेट इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी मैं ऐसे लिखता हूं आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसे मैं आर आर से जाहिर कर दूं। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक तो बात ये आ गई कि इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस वन इज अ स्टेट विच इज अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में वो लम्हा, वो स्टेज, वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स बराबर हो जाए, मैं इसमें फोकस कर रहा हूं स्टूडेंट, रेट स्पीड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्या तेजी से हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट कितनी तेजी से रिएक्टेंट में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों बराबर हो जाए उस लम्हे पे रिवर्सिबल रिएक्शन की उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कतई नहीं कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में वो स्टेट जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर हो जाए, कंसंट्रेशन, मैंने कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं की। मैंने कहा रिवर्सिबल रिएक्शन में वो लम्हा, वो स्टेट जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों रेट आपस में इक्वल हो जाए, दैट स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और भी बात ज़हन में रखनी है, हमें कब कैसे पता चलेगा कि अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचे। माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट की दूसरी जो आपने निशानी ज़हन में रखनी है, एविडेंस ज़हन में रखना है, वो है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, आई मीन एट इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब रिवर्सिबल रिएक्शन पहुंचता है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। तो दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट, आई मीन केमिकल इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। यह पहचान है इक्विलिब्रियम स्टेट की, केमिकल इक्विलिब्रियम की। आइए हम ना केमिकल इक्विलिब्रियम इसकी ना चांद एक करेक्टरिस्टिक्स इसको स्टडी करते। माय डियर स्टूडेंट, जो पहली करेक्टरिस्टिक है इसमें, मैं कहूंगा यही जो बात अभी आपको लिख के दी है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक टर्म आ गई, कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? देखें, मेरे पास ना कंसंट्रेशन, हम इसको ना सी ओ एन सी से जाहिर करते हैं। आगे जाके ना मैं अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा ना, दिस स्क्वेयर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स इट्स कंसंट्रेशन। और एक और बात, कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं ना वो बहुत सारे हैं यूनिट्स। इसके जो यूनिट हैं वो मोल पर डीएम क्यूब भी है, इसके यूनिट टॉर या एटमॉस्फियर भी हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट सिंपली मोल भी है,
कंसंट्रेशन का यूनिट मोल फ्रैक्शन भी है. दीज आर वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन. लेकिन मैं जो मोस्टली यूनिट्स यूज करूंगा कंसंट्रेशन के वो है मोल पर डीएम क्यूब. तो कंसंट्रेशन जिसे हम उर्दू में कहते हैं मिकदार, अमाउंट. तो कंसंट्रेशन अगर किसी, ये मैं ए लिखता हूं ना, इट मे बी द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस वन इज ए सब्सटेंस. जब मैं इसके स्क्वेयर ब्रैकेट डाल देता हूं, नाउ इट रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस. और कंसंट्रेशन हैज वेरियस यूनिट्स जो हम यूज करेंगे, दैट इज मोल पर डीएम. अब पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, मैंने कहा इक्विलिब्रियम स्टेट की यह पहचान है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट, नो चेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, कोई चेंज नहीं आएगी. कैसे? माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी. ए एंड बी दीज आर द रिएक्टेंट्स, वाल सी एंड डी दीज आर द प्रोडक्ट. जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो ए एंड बी दीज आर द रिएक्टेंट्स, सी एंड डी दे आर द प्रोडक्ट. जब मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूं, रिवर्स की, तो इन दैट केस सी एंड डी दीज आर द रिएक्टेंट्स, वाल ए एंड बी दे आर द प्रोडक्ट. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, मैं रिएक्शन शुरू करने जा रहा हूं, ए और बी इनके मैंने 10 मोल पर डीएम क्यूब, 10 मोल पर डीएम क्यूब, दोनों के 10 मोल पर डीएम क्यूब ईच, और t इज इक्वल टू जीरो. अभी टाइम जो है वो जीरो है, अभी रिएक्शन शुरू होने जा रहा है. सी और डी यानी प्रोडक्ट वो कितने बने, जीरो जीरो. अभी तो रिएक्शन t जीरो है ना, अभी तो रिएक्शन शुरू होने जा रहा है. अब रिएक्शन शुरू हुआ, मैंने 5 सेकंड के बाद रिएक्टेंट ए और बी इसकी कंसंट्रेशन देखी, तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज 7 मोल पर डीएम क्यूब, बी 7 मोल पर डीएम क्यूब. नाउ द प्रोडक्ट सी दैट इज 3 मोल पर डीएम क्यूब, डी दैट इज आल्सो 3 मोल पर डीएम क्यूब आफ्टर 5 सेकंड. टाइम और गुजरा, आफ्टर 10 सेकंड मैंने दोबारा रिएक्शन मिक्सचर में से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसको फाइंड आउट किया आफ्टर 10 सेकंड. अब मेरे पास जो रिएक्टेंट ए है ये रह गया जी 5 मोल पर डीएम क्यूब, बी भी 5 मोल पर डीएम क्यूब, सी आपके पास 5 मोल पर डीएम क्यूब, और डी भी आपके पास 5 मोल पर डीएम. आफ्टर 15 सेकंड ए आपके पास रह गया 3 मोल पर डीएम क्यूब, 4 मोल पर डीएम क्यूब, बी आपके पास 4 मोल पर डीएम क्यूब, सी 6 मोल, और डी भी 6 मोल पर डीएम. स्टूडेंट आप देखते जाए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस while the concentration of reactant increases, product increases. अब शुरू शुरू में, पहले जो 5 सेकंड में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस रैपिडली, लेकिन अगर आप अगले 5 सेकंड में देखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस बट नॉट सो रैपिडली. इसका मतलब हुआ कि शुरू शुरू में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस फास्ट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, बट एट द टाइम पासिस जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा. अब जब टाइम जो है वो आगे बढ़ा, यानी आफ्टर 15 सेकंड, अब 20 सेकंड में देखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 4 मोल पर डीएम क्यूब, 4 मोल पर डीएम क्यूब, वाले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 6 मोल पर डीएम क्यूब, 6 मोल पर डीएम क्यूब. टाइम 25 सेकंड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वही है 4 मोल 4 मोल, और प्रोडक्ट 6 मोल 6 मोल. अब टाइम गुजरता जा रहा है 30 सेकंड 40 50, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, वो 4 मोल 4 मोल पर डीएम क्यूब ईच फॉर रिएक्टेंट, वेल 6 मोल पर डीएम क्यूब 6 मोल पर डीएम क्यूब ईच फॉर प्रोडक्ट. इसका मतलब है कि वो लम्हा, वो टाइम जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, तो हम कहेंगे एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट दैट हैज अचीव्ड, दैट हैज एस्टेब्लिश्ड. तो इसका मतलब है इन दिस केस आफ्टर 15 सेकंड द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट हैज अचीव्ड, हैज एस्टेब्लिश्ड इस तरह. और इक्विलिब्रियम स्टेट जब हो गई, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है वो है अ चेंज इन
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम स्टेट. क्या मतलब? रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो गए. अब अगर आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते, चेंज मीन कम या ज्यादा करते, या इन केस ऑफ गैसेस प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते, या आप वो रिएक्शन 25 पे हो रहा है आप उसको 40 डिग्री पे या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर चेंज करते, तो जो ही आप इन चेंजेस को लाते हैं, ये फैक्टर चेंज करते हैं, इनको हम स्ट्रेस कहेंगे. अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगी. इसका मतलब है कि अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर नहीं रहे, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये दोबारा अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि कुछ देर के बाद दोबारा ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेगा. अब क्या दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ये फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, ये हम आगे चलकर ली शैटलियर प्रिंसिपल उसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट ये बात है कि अ कैटलिस्ट डज नॉट disturbs equilibrium state. अगर कोई reversible reaction equilibrium state अचीव कर चुका है, आप उसमें catalyst ऐड करते हैं, तो my dear student, catalyst जो है उसकी equilibrium state को disturb नहीं करता. तो फिर what is the function of catalyst? My dear student, catalyst helps to achieve the equilibrium state earlier. एक reversible reaction है, उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट से 20 सेकंड में अचीव होती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैटलिस्ट. लेकिन अगर आप उसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व कर देंगे, कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, तो आप 20 सेकंड की बजाय माइक्रो सेकंड में जाके इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचे. इसका मतलब हुआ कि कैटलिस्ट जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसको इनहेंस करता है, उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को बढ़ता है. इसका मतलब है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजिशन को डिस्टर्ब नहीं करता, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को अर्लियर अचीव करने में हेल्प आउट करता. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ डायनामिक स्टेट. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है. डायनामिक, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट डायनेमिक स्टेट है, ये स्टैटिक स्टेट नहीं है. अच्छा, डायनेमिक क्या है? पहले मैं एवरीडे लाइफ से आपके साथ एक दो एग्जांपल डिस्कस करता हूं. जरा देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये टब है, इसके साथ दो जो टैप्स हैं ये लगी हुई है. एक टैप से पानी टब में आता है, टब में खास लेवल तक पानी फिल होता है, और साथ ये दूसरी टैप, इससे पानी फिर आगे नीचे जाता है. अब वो कह रहा है कि जब इस टब के अंदर वाटर एक खास लेवल तक भर जाता है, उससे ज्यादा वाटर अगर होगा तो वो फिर नीचे वाली टैब से वो आगे फ्लो कर जाता है, नीचे गिर जाता है. अगर मैं ऊपर वाली जो टैब है उससे पानी ऐड करता जाऊं, नीचे वाली जो टैब इससे पानी, तो अब होगा क्या कि जितना ऊपर वाली टैब से पानी टब में आता है उतना पानी आगे निकल जाता है. इसका मतलब है कि इस टब के अंदर वाटर लेवल वो कॉन्स्टेंट रहता है, जितना पानी उधर से ऐड हो रहा है उतना पानी आगे से निकल रहा है. तो टब के अंदर द कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट बिकम्स कॉन्स्टेंट, वो बराबर रहती है. जितनी रिएक्टेंट की अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है. तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता. ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं और एक आदमी इसके ऊपर मूव कर रहा है. अगर इस आदमी की अपवर्ड मोशन, अपवर्ड वेलोसिटी और स्टेयर्स की डाउनवर्ड वेलोसिटी एक जितनी होगी, तो इसका मतलब है ये आदमी जो है ये मुसल मूव जरूर कर रहा है, लेकिन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन एंड द डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ स्टेयर्स चूंकि बराबर है, इसलिए यह आदमी यहीं पर रहेगा, यह डिस्टेंस कवर नहीं करेगा. तो हम कहेंगे दिस मैन इज एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम. यही बात आप रिवर्सिबल रिएक्शन में उसके बारे में भी कह सकते हैं.
रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक्स इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनेमिक स्टेट, तो आप कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्टेंट्स कंटिन्यूअसली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट व्हाइल द प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, बोथ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन दे कंटिन्यू बट विद इक्वल रेट्स, सो इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ डायनेमिक स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, हम ना एक ग्राफ पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। ये जो ग्राफ है टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ, ये 11th चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। इस ग्राफ में मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम जो है टाइम को लेते हैं, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन को लेते हैं, कंसंट्रेशन इधर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। मेरे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ए प्लस बी दीज आर द रिएक्टेंट्स, सी प्लस डी दे आर द प्रोडक्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप रिवर्स रिएक्शन में आएंगे तो फिर सी और डी दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड ए प्लस बी दीज आर द प्रोडक्ट अगर आप रिवर्स में। स्टूडेंट, अगर आप इस ग्राफ उस ग्राफ में इस रिएक्शन का डाटा फीड करेंगे तो हमारे पास ना ये कर्व आ रही है, दिस वन इज द फॉलिंग कर्व्स। ये फॉलिंग कर्व हमें क्या बता रही है, ये फॉलिंग कर्व हमें बता रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस। शुरू शुरू में देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, ये हमारे पास। और अगर आप देखेंगे कुछ देर के बाद जाके टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम एक वक्त आएगा व्हेन दिस फॉलिंग कर्व इट बिकम्स लेवल ऑफ टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिल्कुल ये पैरेलल हो जाएगी। इसके बरक्स ये मेरे पास दूसरी कर्व है, इस कर्व ये जीरो से शुरू हुई, ये बिल्कुल जीरो ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टी इज इक्वल टू जीरो। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और एक वक्त आया जब ये जो अपवर्ड कर्व है ये भी लेवल ऑफ होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब ना अगर आप दोनों कर्व्स को देखेंगे तो दोनों कर्व्स एक खास पॉइंट पे जाकर, एक खास टाइम पे जाकर दोनों कर्व्स लेवल ऑफ हो जाती, तो जब ये दोनों लेवल ऑफ हो जाएंगी तो हम कहेंगे एट दैट टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एंड दैट शो दैट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम स्टेट। एक रिएक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, इसका रिएक्शन हुआ आयोडीन से, आयोडीन नो डाउट आयोडीन इज अ सॉलिड बट इट हैज वायलेट वेपर्स। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो एच आई बना, हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस वन इज इन द गैसियस स्टेट, और जब ये डीकंपोज होगा तो हमारे पास की इसमें जो हमारे पास रिएक्शन कंडीशन है उसमें टेम्परेचर 425 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और आयोडीन को लेंगे तो ये एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता जाएगा और ये डीकंपोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते जाएगा। अब ना मैं इसको दो तरह से आपके सामने लिखता हूं, दो तरह से। पहले मैं इन दोनों को बतौर रिएक्टेंट्स लेता हूं, इनको मैं, पहली बात इनको मैं रिएक्टेंट्स लेता हूं एंड इन दिस केस दिस वन इज द प्रोडक्ट, एच आई इज द प्रोडक्ट। अगर आप इसके लिहाज से ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज द टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ फॉर दिस रिएक्शन। अब इसमें देखेंगे ये जो रेड लाइन है ये ऊपर से नीचे आ रही है और फिर ये लेवल ऑफ हो गई, दिस रेड लाइन शो द कंसंट्रेशन ऑफ एच टू एंड आई टू डिक्रीजेस एंड देन इट बिकम्स द लेवल ऑफ। इसके बरक्स ये मेरे पास अपवर्ड या राइजिंग कर्व है, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एच आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कुछ देर के बाद जाके देखेंगे इट ऑल्सो लेवल ऑफ, इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और अब जब दोनों ये फॉलिंग कर्व और अपवर्ड कर्व जब दोनों लेवल ऑफ हो गई, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई, एट दैट टाइम वी से इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब एक और चीज, अब आप इसको थोड़ा सा उल्ट करते, अब आप क्या करें, अब आप ना टू एच आई रिवर्सिबल एच टू प्लस आई टू, दिस वन इज द गैस दीज आर वेपर्स।
अब इस केस में अगर आप देखेंगे ना माय डियर स्टूडेंट, इन दिस केस द एच आई दिस वन इज द रिएक्टेंट एंड एच टू एंड आई टू दीज आर द प्रोडक्ट्स. जो ऊपर प्रोडक्ट थे वो अब रिएक्टेंट, जो ऊपर रिएक्टेंट थे अब वो प्रोडक्ट्स. अब अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन इसका टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ एस्टेब्लिश करूं तो माय डियर स्टूडेंट ये मेरे पास ग्राफ आ गया. इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे ना तो जो एच आई है उसकी वो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और फिर कुछ देर के बाद जाके वो लेवल ऑफ हो गई. और इस तरह एच टू और आई टू इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और वो कुछ देर के बाद जाके लेवल ऑफ. आप ना इन दोनों ग्राफ को माय डियर स्टूडेंट इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करें. पहला ग्राफ जिसमें एच टू आई टू रिएक्टेंट्स हैं, दूसरा ग्राफ जिसमें एच टू आई टू प्रोडक्ट्स हैं. तो अगर आप दोनों ग्राफ को देखेंगे दोनों ग्राफ में एच आई की कंसंट्रेशन बिल्कुल यकसा है, एच टू आई टू इसकी कंसंट्रेशन दोनों में बिल्कुल यकसा है, लेकिन ग्राफ उसकी जो नेचर है वो जरा डिफर कर रही है. और वो क्या है, वो वाजह दिखा रही है कि एक में एच टू आई टू ये रिएक्टेंट्स है और दूसरे में एच आई वो रिएक्टेंट है. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव फ्रॉम एदर डायरेक्शन. आप इनको रिएक्टेंट्स ले लें फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी, आप इनको प्रोडक्ट्स ले लें फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी. ये पॉइंट आप यहां पे मेंशन करोगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव फ्रॉम आइदर डायरेक्शन. माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस किया. फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो इस पूरे चैप्टर में हमारे साथ साथ चलेगी, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी और फिर उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना कलम फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.